एक और बड़ी खबर आ रही है मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने दुख जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। कहा गया है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दुख जताया गया है। सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये कहा गया समाजवादी पार्टी द्वारा। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। ये प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर। 5 बार का विधायक मुख्तार अंसारी जिसकी मौत के बाद ये प्रतिक्रिया अब आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसमें से 5 बार विधायक रहे, 2 बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विधायक रहे और मऊ से विधायक रहे। खास तौर पर ये जो पूरा इलाका है वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, बांदा, ये मुख्तार अंसारी के प्रभाव का या परिवार के प्रभाव का इलाका माना जाता है। साथ ही मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, जिसमें वजह बताई गई है कार्डियक अरेस्ट की। लेकिन देखिए जो प्रतिक्रिया आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो आपको दिखा देते हैं। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है, ये कहा गया है। साथ ही ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। ये कहा गया है समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है सोशल मीडिया एक्स पर, उसके जरिए ये ट्वीट किया गया है और ये जानकारी दी गई है। ये जो विनम्र श्रद्धांजलि है वो समाजवादी पार्टी द्वारा दी गई है आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी के हैंडल से। ये सोशल मीडिया पर लिखा गया है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रतिक्रिया। हमारे साथ कुमार कुंदन लगातार बने हुए हैं। कुमार, देखिए राजनीतिक प्रभाव किस तरह का था, राजनीति में जिस तरह का प्रभाव मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का रहा है, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया जिसमें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। देखिए पूरा अगर हम अंसारी परिवार की बात करें तो उसका एक बड़ा पॉलिटिकल ग्राउंड रहा है, और पॉलिटिकल ग्राउंड ही नहीं, एक अपनी एक उसकी लेगेसी रही है जिसमें आजादी की लड़ाई के बाद से अंसारी परिवार का कहीं ना कहीं कोई योगदान रहा है। अगर हम मुख्तार जो पूरा परिवार है उस परिवार की बात करें तो दिल्ली की भी बात बताऊं सुमेरा, अब शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, दरियागंज में एक जगह ऐसा है जो अंसारी परिवार से संबंधित रखता है, और बताया जाता है कि आजादी के समय में यह मकान बनाया गया था और इस मकान में अंसारी परिवार के लोग रहते थे और कई सारी चीजें जो है उनसे जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि मुख्तार अंसारी को लोग अच्छी वजह से नहीं, उसकी डॉन वाली इमेज की वजह से ज्यादा जानते हैं। मैं जैसे बताया कि 62 आपराधिक मामलों में वो लिप्त था जिसके ऊपर अभी उसमें मुकदमा चल रहा था, और थोड़े दिन पहले ही कई सारे मुकदमों में वो दोषी भी करार हुआ था और जिसमें कि अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल है। अब सबसे बड़ी बात है कि किस तरह की इस तरह की मौत के बाद सिचुएशन क्या है। अभी की जो जानकारी मिल रही है पारा मिलिट्री फोर्सेस को सबसे पहले अस्पताल के चारों तरफ से जो है एक तरह से पारा मिलिट्री फोर्सेस का इंतजाम कर दिया गया है और वहां पे पारा मिलिट्री फोर्सेस ने अपना डेरा डाल दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने जो भी आसपास के इलाके हैं उन इलाकों में गश्तियां तेज कर दी हैं और बड़े लेवल के अधिकारियों को वहां भेजा जा रहा है। धारा 144 अलग अलग जगहों पर लागू कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से इसकी मौत हुई है ये मौत भी अपने आप में एक तरह से आम मौत नहीं है, क्योंकि पहले इसकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद इसको अस्पताल ले जाया जाता है, वहां तबीयत ठीक हो जाती है, ठीक हो जाने के बाद फिर इसको जेल लाया जाता है, जेल में दोबारा आश्रम में तबीयत बिगड़ती है, इसे उल्टी होती है, उल्टी होने के बाद ये बेहोश होता है और बेहोशी की हालत में इसे अस्पताल लाया जाता है जहां वेंटिलेटर पे डालने के बाद CPR देने के बाद इसकी मौत हो जाती है।